सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारा था एक बार तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। तो गाइस डेट है आज 18 अगस्त 2024 और आज है मेरा थाईलैंड सीरीज का दूसरा दिन। जैसा कि आपको पता है पिछली वीडियो में, ठीक है, पहले दिन मैं आया था कहाँ से, दिल्ली से फुकेट, ठीक है, फुकेट से फिर हम गए थे पैंटोंग बीच कल एक्सप्लोर किया, उसकी नाइट लाइट एक्सप्लोर की। आज मैं आया हूँ कोह सुमाई आइलैंड पे, ठीक है। तो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि कैसे फुकेट से, ठीक है, पैंटोंग बीच से आप आ सकते हैं कोह सुमाई आइलैंड तक। बहुत ही लंबा प्रोसीजर था, 1000 थाई बाट जो हमारे टोटल लग गए, उसके बाद यहाँ पे पहुँच गए थे, ठीक है, लगभग 3:30-4 बजे तक यहाँ पे पहुँच चुके थे। तो अगर आपको देखना हो कैसे आना है तो पिछली वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको पूरा हॉस्टल का टूर कराने वाला हूँ कि जिस हॉस्टल में मैं कोह सुमाई आइलैंड में रुका हूँ वो कौन सा एरिया है, कौन से हॉस्टल में रुका हूँ, कैसी उसकी लोकेशन है, ठीक है, क्या यहाँ की वाइब्स रहने वाली है और कोह सुमाई आइलैंड पे कौन सा बीच है, क्या क्या चीज़ें देखने को। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। पहले आपको हॉस्टल का टूर करा देता हूँ, उसके बाद यहाँ से हम चलेंगे बीच की तरफ जो कि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो आपको ना कोह सुमाई आइलैंड पे पहुँच जाना है और वहाँ से आपको टुक टुक लेके या टैक्सी करा के, ठीक है, आपने जहाँ पे भी अपनी बुकिंग वगैरह करा रखी होगी वहाँ पे आ जाना है। तो अगर आपने अपनी बुकिंग कराई है लामाई बीच पे तो आपके लिए ये हॉस्टल बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है जो भी मैं दिखाने वाला हूँ। नाम वगैरह लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट अगर आपको पार्टी वगैरह करनी है तो आप चोआंग बीच जा सकते हैं जो कि अपनी पार्टी और नाइट लाइफ के लिए फेमस है, जो कि मुझे भी यहीं आके पता लगा था, मैंने रैंडमली बुक किया था, बट बहुत ही अच्छा बुक किया है लामाई बीच पे। यहाँ पे है बिल्कुल सामने, मुझे टुक टुक ने उतारा था, यहाँ से मैं चल के आया। ये एक्सचेंज काउंटर आपको दिखेगा, एक्सचेंज काउंटर के बिल्कुल सामने आपको दिख जाएगा, ठीक है, ओजाक हॉस्टल जो अभी अभी लेटेस्ट ही खुला है। इसका जो नाम वगैरह है मैं तो सही से नहीं ले पा रहा, बट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और सबसे पहले तो ये है जो ना, सबसे पहले रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे अपनी एक अलग ही पार्टी वाइब है। इसके बिल्कुल सामने आपको एक्सचेंज मिल जाएगा, बिल्कुल सामने एक और बड़ा रेस्टोरेंट है जहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह आप सब खा सकते हो। और सबसे अच्छी बात की बिल्कुल सामने है यहाँ पे 9-11, जिससे आप सस्ते से सस्ता खाना पीना सब खरीद सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये नया नया खुला है, अभी लेटेस्ट ही जो इन्होंने ओपन किया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पूरा यहाँ पे, ठीक है, पार्टी एरिया, यहाँ पे सुबह 3 या 4 बजे तक लगातार पार्टी चलती है, तो बहुत ही अच्छी वाइब यहाँ पे बना रखी है। और अच्छी बात तो यह है कि इन्होंने लेटेस्ट कंस्ट्रक्ट किया है इसको। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पूरा पार्टी का एरिया आप देख सकते हो, और जिनको ड्रिंक्स वगैरह करनी है उनके लिए ड्रिंक्स, ठीक है, वो सब भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद आगे जाओगे तो इनका यहाँ पे हॉस्टल एरिया भी बन रहा है। अभी यहाँ पे सिर्फ आप कह सकते हो एक ही डॉर्मेट्री, 8-bed dormitory अवेलेबल है, बट कुछ दिनों में और डॉर्मेट्री भी बनने वाली है। तो यहाँ पे देखते ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है, यहाँ पे कॉमन वॉशरूम्स है जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यहाँ दोनों साइड आपको ब्रश वगैरह करने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको और रूम्स बन रहे हैं, ये रूम्स अभी बन रहा है प्राइवेट रूम, हमारा जो डॉम है ये वाला है, तो डॉम के अंदर भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं अगर कुछ होगा तो, नहीं तो, तो ऐसा कुछ डॉम है जो आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे रूम्स अभी बन रहे हैं, ये पूरा है जो अभी थोड़े दिन में कंस्ट्रक्ट होने वाला है, तो आपको और भी ज़्यादा ऑप्शंस है जो देखने को मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ 8-bed dormitory अवेलेबल है, जिसका प्राइस मैंने पे किया है 200 baht एक नाइट के लिए। आने वाले टाइम में जैसे ही ये रेनोवेट हो जाएगी तो प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको काफ़ी अच्छे रेट पे काफ़ी अच्छी वाइब मिल जाएगी। अगर आप एक पार्टी हॉस्टल ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो क्राउड है, बाहर वाला क्राउड, देखो हॉस्टल का क्राउड तो हो गई, बट उसके साथ साथ बाहर वाला क्राउड भी यहाँ पे रहने वाला है जो पार्टी करने के लिए आने वाला है। तो लाइटिंग यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, गाने वगैरह बज रहे हैं, जो सब आपके लिए अवेलेबल है। हॉस्टल तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, अभी आपको थोड़ी देर यहाँ के ओनर से भी बात कराता हूँ, उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे, ठीक है, बीच तक पैदल। उसका रास्ता भी आपको दिखाऊंगा कि कितना पास यहाँ से बीच है। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे है, 7-11 बिल्कुल सामने, एक्सचेंज सामने, बीच सामने, तो यहाँ पे स्टे करने के लिए आपके लिए बेस्ट रह सकता है। उसके बाद आपको यहाँ के ओनर से भी बात कराता हूँ, जो अपने थोड़े बहुत जो व्यूज़ है उनके शेयर कर देंगे, फिर चलेंगे हम बीच की तरफ। सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर आप देख सकते हो गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। तो गणेश जी के भी यहाँ थाईलैंड में काफ़ी ज़्यादा फैन है और काफ़ी ज़्यादा मंदिर वगैरह भी है, तो ये भी अच्छी बात है। और डेफिनेटली इंडियंस के लिए भी ये फर्स्ट चॉइस है जो रह सकती है। फाइनली हॉस्टल से जा रहा हूँ बीच की तरफ, वैसे करते करते अंधेरा हो ही गया, बट ठीक है, अंधेरे में जो थोड़ा बीच वगैरह है वो देख लेंगे। तो यहाँ भी देख सकते हैं क्राउड काफ़ी ज़्यादा बेटर है, फुकेट से बेटर क्राउड दिख रहा है यहाँ पे टूरिस्ट का। फुकेट में थोड़ा लोकल क्राउड ज़्यादा था, बट फुकेट में थोड़ा कम था, तो वैसे चलता ही जा रहा हूँ आज तो। अभी जा रहा हूँ मैं बीच की तरफ, ऐसी कुछ यहाँ पे मार्केट है जहाँ पे आप बीच वाले कपड़े वगैरह भी खरीद सकते हो, और उसके बाद जा सकते हो बीच पे। वॉक करते करते भी बीच की तरफ जा रहा हूँ, हॉस्टल से सिर्फ काफ़ी पास है, सिर्फ 4-5 मिनट का ही वॉकिंग टाइम आपको लगेगा। गूगल मैप के ऊपर लगा के आप इजीली जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। बाकी यहाँ से जो टूर वगैरह आपको बुक करने हैं तो यहाँ पे भी टूर बुकिंग के लिए है, यहाँ पे देखो ये वाले टूर आपको मिल जाएंगे, फुल मून पार्टी के लिए भी यहाँ से बुक कर सकते हो। तो अभी आपको सीधा मिलता हूँ जाके बीच पे, चलते चलते सीधा हो गए तो यहाँ पे आपको
बीच का साइन बोर्ड अभी दिखेगा और आपको इस प्रकार बीच की तरफ चले जाना है। और वो देखो बिल्कुल सामने बीच की पहली झलक मुझे तो दिख गई, आपको नहीं दिख रही होगी बट मुझे तो काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है। मतलब यार हद से ज़्यादा पास में है, मैं कह सकते हो कि 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगा। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट भी बना है वाइफ के साथ। वैसे अभी लाइट चलेगी तो थोड़ा कम ही अच्छे से दिखेगा, हो सकेगा तो आपको एक बार कल सुबह सुबह आके अर्ली मॉर्निंग दिखाऊंगा। और काफ़ी लोग बीच में है जो स्विमिंग वगैरह भी कर रहे हैं, देख सकते हो ऐसा कुछ बीच का व्यू है शाम का। पानी यार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साफ़ है और इन्होंने बीच में स्विम करने के लिए ना ऐसे वो भी लगा रखे हैं जिसको पकड़ के आप स्विमिंग वगैरह कर सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। पता नहीं मैं आपको अभी दिख रहा हूँगा या नहीं, थोड़ी सी लाइट मारता हूँ, दिख रहा हूँगा तो देखो अभी दिख रहा हूँगा। तो इस प्रकार का कुछ है जो हाँ अब सही है। मेरे को वैसे इसके साथ भी डिफ्यूज़र मिला, आज डिफ्यूज़र का भी यूज़ करूँगा, तो इस तरह का काफ़ी ज़्यादा कम लाइट हो चुकी है। तो कल सुबह ही आपको ज़्यादा बेटर दिखा पाऊँगा, बट अभी फ़िलहाल जितना दिख रहा है उतने से आप इन्जॉय कर सकते हैं। आपको भी थोड़ी लाइट मार के दिखा देता हूँ जितना बेटर हो सकता है। बीच के सामने ऐसे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, यहाँ पर हैप्पी आवर है, फ्री सनबेड है, स्विमिंग पूल है। तो ये वाला जो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा है, कलर इसके काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है। इसी प्रकार यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह है जहाँ पे आप बीच पे बैठ के आनंद ले सकते हो। दिन में यहाँ पे आपको फ्री है ये बेड पे लेटने को मिल जाएगा, बस आप खाना पीना खाओ यहाँ पे और आराम से सनबेड का यूज़ करो। और ऐसे चलते जाओगे तो आगे तक ऐसे ही बीच चल रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये वाला लगा, वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कुछ खा भी लेता हूँ, बट यहाँ पर कुछ खाने पीने के है या नहीं वो नहीं पता। गाइस यहाँ पे ठीक है, आपको जो मेन स्ट्रीट पे आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा, जो अगर आप खाएंगे बीच के पास तो आपको काफ़ी कॉस्टली मिलेगा, बट यहाँ पे जो फूड काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। ठीक है यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, फ़िश ठीक है 250 बात की इतनी बड़ी फ़िश है, ये चिकन है, तो मैं भी यहीं से ट्राई करता हूँ कुछ खाने की। तो ये डिसीज़न अच्छा था, यहाँ पर मैं नूडल्स वगैरह सब कुछ है जो ट्राई करने वाला हूँ, शेक्स भी पियेंगे आज। बाकी ये वाली मार्केट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, फ्रेश फ्रूट वगैरह भी यहाँ पर सब मिल रहे हैं। वाली जगह पे ठीक है काफ़ी कुछ है, यहाँ पे मोमोज़ वगैरह भी मिल रहे हैं, तो आपको हर चीज़ के मोमोज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। वेजिटेबल मोमोज़ है जो 4-60 रुपये के, उसके बाद ये वाला चिकन है, मैं यहाँ से लेने वाला हूँ फ्राइड चिकन, खा के देखते हैं। ये वाला है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मार्केट है, आपको इसकी लोकेशन भी दिखाता हूँ कहाँ पर हूँ। 7-Eleven से सिर्फ मतलब आप कह सकते हैं कि 100 मीटर आप अगर आप पैदल चल के जाएंगे तो आपको ये वाली मार्केट दिख जाएगी, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट और आई कैचिंग है। तो अभी पहले खा लेता हूँ उसके बाद आपको आगे दिखाता हूँ। मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे फ्रूट शेक ठीक है, 49 बात का है। तो आपको यहाँ पे देखो 35 रुपये की ये जूस की बॉटल है, बिल्कुल फ्रेश जूस की बॉटल आप ले सकते हैं, 100 की 3 है, 35 की 1 है। और मैंने यहाँ पे ठीक है पहले अभी फ्रूट शेक पीऊँगा, फिर बाद में 3 लेके जाऊँगा 100 बात की ताकि मैं पी सकूँ, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, ड्रेन हो गई है। प्राइजेज़ वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी जेन्युइन प्राइस है, 89 बात का है। ये मेरे हाथ में देखो यहाँ पे देख सकते हो 100 बात का नोट है, इस 100 बात में मेरी पूरी मील हो जाएगी ठीक है। 49 का मैं शेक ले रहा हूँ, 60 का मैंने फ्राइड चिकन लिया है। तो ये सब खा के देखते हैं और जाते हुए 100 बात का मैं ये 3 बॉटल्स ले जाऊँगा पीने के लिए। और बाकी आपको यहाँ पे उसके बाद मीठा भी खाएंगे ठीक है, मीठा भी दिखा देता हूँ। न्यूटेला के साथ आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ यहाँ पे मिल रही है, देख सकते हैं आइसक्रीम के ऊपर, तो बाद में हम ये भी ट्राई करेंगे। काफ़ी अच्छा है ये जो बनाना शेक है यहाँ पे मिला है ठीक है, तो अभी बनाना शेक पीने वाले हैं और पैसे भी दे दिए। तो ये ठीक है पैसे भी वापस कर दिए और अब यहाँ पर ठीक है चिकन वगैरह खाते हैं। तो यहाँ पे जो करेंसी नोट है ना अलग अलग मिलते हैं 50-60, बट शेक है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिला था। अभी देखते हैं हमारा फ्राइड चिकन रेडी हुआ या नहीं हुआ, ऑर्डर तो देके गया था बट अभी तक आया नहीं है। तो ये है गाइस, अभी भी ये जो चिकन बनने वाला है तो देख सकते हो आपका डिनर है काफ़ी अच्छे सस्ते में हो जाएगा ठीक है। 50 का आपको ये लेना है, 60 का चिकन लेना है, 110 बात में आपका पूरा डिनर हो जाएगा, लगभग 250 से 300 रुपये कह सकते हैं आप एक मील के लगेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता यहाँ पे पड़ जाता है। सट्टेबाजी में इंटरेस्टेड है उनके लिए सामने यहाँ पे ठीक है कुंफू हनी बार भी है जहाँ पे आप सट्टे वगैरह लगा सकते हो। और ऐसे ठीक है जो नाइट लाइफ है यहाँ की भी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है। बीच पे अगर आपको चिल माहौल चाहिए तो बीच पे चिल माहौल है, अगर पार्टी वगैरह करनी है तो यहाँ पे पार्टी वगैरह हो रही है। अभी टाइम कुछ ज़्यादा नहीं हुआ तो पार्टी शुरू नहीं हुई, बट कुछ देर में पार्टी वगैरह शुरू हो जाएंगी ठीक है। जैसे आपने कल बंगला रोड पर देखी थी, आपको यहाँ की भी जो अडल्ट नाइट लाइफ है वो भी दिखाने वाले हैं और ये भी खा लेंगे अभी। यहाँ से खा लिया अब आगे जा रहे हैं। तो यहाँ देखो कितने अच्छे अच्छे बढ़िया फ्रूट्स भी आपको मिल जाते हैं, तो अगर आपको फ्रूट्स वगैरह हो तो आप खा सकते हैं। 20 रुपये के बनाना है, 80 रुपये का आपको पर ड्रैगन फ्रूट्स वगैरह मिल जाएगा, पाइन एप्पल 80 रुपये का है। तो और ये थोड़ा एग्जॉटिक फ्रूट है लीची जैसा, तो अगर आपको फ्रूट्स वगैरह खाने हो तो आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं। उसके बाद में
नेक्स्ट आइटम आपको मिलती है कंप्लीट यहाँ पे, सी फूड वगैरह मिल जाता है, देखो अलग अलग मछलियाँ वगैरह सब यहाँ पे रखा हुआ है, और कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 150 बाटी का क्रोकोडाइल है ये सामने, तो इन्होंने क्या क्या है उसकी फ़ोटो लगा के रखी जाती है, क्रोकोडाइल की फोटो लगी थी, क्रोकोडाइल है ठीक है, पोर्क है, पोर्क लिखा हुआ है, और ये बेरी है, ये चिकन है ठीक है, ये भी 50 बाट का ही है, तो शायद ये ग्रिल करके देंगे, ग्रिल चिकन, और ये भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ से आपको स्पाइरल्स वगैरह भी मिल जाएगी, पटैटो रोल है जो 50 बाट का है, अभी तो नहीं खाऊंगा, कल खाऊंगा। जो लोग कंफ्यूज हैं ठीक है, यहाँ पे आपको मैकडोनल्ड्स देखेगा 24 घंटे ओपन रहता है, 24 आवर्स मैकडोनल्ड्स ऑफर है, मैकडोनल्ड्स के बिल्कुल सामने ये स्ट्रीट मार्केट है जहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हो, उसके अलावा यहाँ पे ठीक है बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी है, तो अगर आप ज़्यादा पैसे स्पेंड करना चाहते हो तो इन बड़े रेस्टोरेंट में जा सकते हो, अगर आप बजट में खाना खाना चाहते हो तो बिल्कुल सामने मैकडोनल्ड्स के आपको बजट में खाने वगैरह चीज़ें मिल जाएंगी, मैकडोनल्ड्स भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन आपके लिए रह सकती है अगर आप जाना चाहते हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं यार यहाँ फॉर्च्यूनर वगैरह भी ये लोग ना टैक्सी में चलाते हैं, और इनकी ड्राइविंग स्किल भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, मैकडोनल्ड्स के यहाँ पे जो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट रहेंगी बट प्राइजेज ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, तो आप ले सकते हैं। अभी जो मेरा हॉस्टल है वो ठीक है, यहाँ पे फार्मेसी भी है, 7-Eleven है, 7-Eleven के बिल्कुल सामने मेरा हॉस्टल था, तो वापस हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी थक गया हूँ, अभी थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, उसके बाद दोबारा से जो मार्केट देखने के लिए निकलूँगा, बडियरा बिल्कुल सामने 7-Eleven, तो अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप 7-Eleven से भी खरीद सकते हैं, और खाना पीना भी है, तो जैसे चिप्स कुरकुरे वगैरह, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप जहाँ भी जाएँ अपने साथ 7-Eleven से खरीद के ले जाएँ, क्योंकि बाकी सब जगह पर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है जो ये लगाते हैं, और उसके बाद बिल्कुल 7-Eleven से वॉक करते करते ठीक है, तो थोड़ी मतलब सिर्फ 5 मिनट वॉक करेंगे तो दोबारा से हॉस्टल में आप जो पहुँच जाएंगे, जिनको फुट मसाज वगैरह करानी है आप यहाँ पे फुट मसाज वगैरह भी करा सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ की कमी है तो कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह खाना है तो पिज़्ज़ा वगैरह खा लो, तो यहाँ पे कॉकटेल वगैरह सब कुछ है जो मिल रहा है, एक और स्ट्रीट है यहाँ पे खाने वगैरह के लिए, शॉपिंग वगैरह के लिए, तो अभी थोड़ी देर बाद आपको ये सब भी एक्सप्लोर कराता हूँ, फ़िलहाल ये वाली आपको मेन स्ट्रीट दिखा रहा हूँ, तो ये वाला कॉकटेल वाला भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हैं, बैठ के दारू वारू पी रहे हैं, तो उसके बाद 420 कपड़े वगैरह सिलवाने हो तो काफ़ी सारे यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाएगी, तो जिन लोगों को भी यार पीस चाहिए और वो पीसफुली इन्जॉय करना चाहते हैं जैसे कपल्स वगैरह आएँ, तो उन सब के लिए ये मतलब जो है लामी बीच काफ़ी अच्छी लोकेशन है, क्योंकि आप यहाँ पे आराम से चिल कर सकते हो, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, ज़्यादा कोई पार्टी वाला माहौल नहीं है, बस आप आओ बीच पे इंजॉय करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी वाइब के साथ शांति के साथ इंजॉय करो। रोड पे जो 7-Eleven है ना वो मल्टीपल है, पिछला वाला 7-Eleven लगा था, मुझे लगा वो मेरे हॉस्टल वाला है बट वो नहीं था, ये 7-Eleven एक और दोबारा सामने आ चुका है, तो 7-Eleven यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एक और बड़ा रेस्टोरेंट आ गया ठीक है लामाई बीच पे, टॉप 10, तो आप टॉप 10 में भी जा सकते हो और इसमें भी जाके खाना खा सकते हो ठीक है, यहाँ पे फ्राइड राइस, पाट थाई, स्पेगेटी, पिज़्ज़ा ये सब अवेलेबल है, और यहाँ पे ऐसा भी है जहाँ पे स्नूकर टेबल लगा हुआ है और आपको क्रिकेट वगैरह देखने को मतलब मैच वगैरह देख के आप इंजॉय कर सकते हो, तो यहाँ से आपको बड़े से बड़ा छोटे से छोटा सभी हॉस्टल होटल सब कुछ देखने को है जो मिल रहा है, ये एक पब भी आया है बट अब तक खाली है, आयरिश पब है, शायद चलेगा रात में बट अभी तक तो खाली है, और वॉक करते करते 7-Eleven दोबारा से आ गया, ये 7-Eleven है जो हमारे हॉस्टल के सामने, क्योंकि जो हमारा हॉस्टल है उसके बिल्कुल सामने एक्सचेंज भी है, और बिल्कुल आप अगर पैदल जाओगे तो सिर्फ 2 मिनट की वॉकिंग पे आप बीच पे पहुंच जाओगे, और इस वाले इसमें अगर आपको स्नूकर वगैरह खेलना है तो आप वो भी खेल सकते हो, तो ये 7-Eleven एक और आ गया, तो 7-Eleven में भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, जैसे कोई अगर बड़ा 7-Eleven है तो उसके प्राइसिंग भी थोड़ी डिफरेंट रहते हैं, चीज़ें डिफरेंट रहती हैं, कोई छोटा है तो उसमें थोड़े कम रहते हैं, तो वैसे तो 95% सब सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है, तो आप कहीं भी जा सकते हो, और ये आ गया दोबारा से अपना हॉस्टल वाली प्लेस, अब थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं साइड में चिल करते हैं, और फिर अगर जब लगेगा थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गए तो दोबारा जाएंगे। Cafe, restaurant, bar and hostel, but we are trying to help about everything, you know. Very good. And be happy to, it's nice to see you. We are happy to see you. So guys,
गाइस आई होप आपको ये वीडियो है जो मेरी पसंद आई होगी। तो अगर आप भी सोच रहे हैं जाने का इंडिया से थाईलैंड के लिए, तो मेरी ये सीरीज पूरी शुरू से लेकर एंड तक देखना, जिसमें आपको मैंने एक एक डिटेल सारी बहुत ज्यादा चीजों मतलब सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बताई है कि कैसे आप इंडिया से थाईलैंड जाएंगे, कैसे आपको एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन करनी है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहती है, फिर आपको वहां से कैसे ट्रेवल करना है, कौन से एरिया में आप होटल्स बुक कर सकते हो अच्छे बजट होटल अच्छे एरिया में, ठीक है, खाना क्या खाना है, कैसे आप बजट में खाना खा सकते हो, कैसे आपको ट्रेवल्स करने, कैसे अपने टूर पैकेजेस बुक करने, सारी चीजें मैंने अपनी सीरीज में बहुत आप डिटेल में बता रखी। तो इस सीरीज को बिना स्किप करें हर एक एपिसोड को बहुत अच्छे से देखना। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है और आप प्लान कर रहे हैं अपनी इंडिया से थाईलैंड की ट्रिप में, जिसमें आप जाने वाले खुद से, ठीक है, बिना किसी पैकेज वगैरह के, और आपके काफी सारे डाउट्स रहते हैं, अगर आपका पहला इंटरनेशनल ट्रिप है या दूसरा तीसरा भी है और आपको फिर भी कोई डाउट्स है, तो आप यूज कर सकते हैं मेरी पेड कंसल्टेशन सर्विस, ठीक है, जिसमें इसका चार्ज रहेगा सिर्फ 300 रुपीज। 300 रुपीज में आप मेरे साथ एक मीटिंग सेटअप कर सकते हो, जिसमें आप अपने सारे डाउट है, जो अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप जो कि थाईलैंड में रहने वाली है, उसके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो कि कैसे है जो मतलब आप जाने वाले, क्या इमिग्रेशन का प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको पैकिंग करनी है, कैसे आपको फ्लाइट बुक करनी है, कैसे आपको होटल्स बुक करने हैं, कितने दिन के होटल बुक करने पड़ेंगे, कितना कैश ले जाना पड़ेगा, क्या बेटर डील्स रहेंगी, क्या क्या आपको टूर पैकेजेस वहां पे करने चाहिए, कौन कौन सी जगह है जो हम घूम सकते हैं, ऐसे अनगिनत सवालों के जवाब है जो आप मेरी पेड कंसल्टेशन सर्विस में ले सकते हो, जिसमें मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ आपको इंडिया से थाईलैंड टूर के बारे में। तो बाकी आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने अपना सारा टॉपिक है जो अच्छे से क्लियर किया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आप मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ट्रैवल विद बंटी, सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो या नीचे कॉमेंट्स कर सकते हो, कॉमेंट्स में मैं आपको, ठीक है, अपना इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर दूंगा, जहां पे आप मुझे मैसेज करके अपने सारे डाउट्स वगैरह जो क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो थाईलैंड जा रहे हैं।